भरत भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने आप ट्रैवलिंग में हो, 1 मिनट के लिए आप अनम्यूट हो जाइए प्लीज। भरत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने सुबह जो भक्ति थी उसमें वीडियो भेज के भी आपने पार्ट ले लिया। थैंक यू वेरी मच भरत भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है जब हम कहीं भी हो, कैसे भी स्थिति में हो, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कहीं से भी हाजिर हो जाए ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है, बराबर। और आज आज तो संडे है, शाम को पिंकी का प्रोग्राम है। कल शाम को हम सब फिर से अपने भजन लेके आएंगे, कल हम सब भक्ति करेंगे। वीडियो तो हमने आज जो बताना था वो 2 दिन मैंने बता दिया। आज भी आपने जाना होगा बहुत सारी चीजें। मैंने ये वीडियो खास इसलिए बताया, आपको एक दो बात बताना मुझे जरूरी लग रही है, जो आपने जिसने भी ये वीडियो देखा होगा ना, एक बात उन्होंने बहुत अच्छे से जानी होगी। चाहे कोई भी लड़ाई हो, राम हो, रावण हो, कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो किसी व्यक्ति के अंदर, लेकिन भगवान जब वरदान देते हैं ना, तो सबको बराबर देते हैं। आपने इस चीज को आज नोट किया होगा कि रावण को भी भगवान ने, शंकर भगवान और पार्वती जी ने वरदान दिए हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि राक्षसों को भी उन्होंने इतना ही वरदान, उनकी पीढ़ी भी बसे, उनकी पीढ़ी भी बड़ी हो, कुछ भी जैसे ही नॉर्मल इंसान को मिले, वही धर्म, वही सब सुख सुविधा और वही वरदान उन्होंने राक्षसों को भी दिया, क्योंकि भगवान की दृष्टि में सब एक बराबर। ये चीज को आज आपने जाना, मैं ऐसा चाहूंगी कल मंडे एक बड़ी बात है जिसको हम जानेंगे, जो त्रिदेव हैं उनकी स्थिति क्या है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना निकाला है यूट्यूब से, बहुत सुंदर वीडियो है, मैं बहुत खुश हो गई उसको देख के। हम उसको व्यक्तिगत जानते हैं लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं है, वो एक प्रकृति है, और जो प्रकृति है उसको ये संसार चलाने के लिए इसकी बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि उत्पन्न होना, स्थिर होना और फिर उसका निष्कासित होना, ये बहुत जरूरी है। ये बात को हम कल जरूर जानेंगे। तो मैं आज सबसे, अभी आप सबसे मैं विदा ले रही हूँ। अगर किसी को भजन गाना हो और कुछ रह गया हो तो प्लीज मंडे को हम मिलेंगे, क्योंकि आज ऐसे भी 2 एपिसोड हो चुके हैं और अभी तीसरा होने की कोई संभावना मुझे नहीं लग रही है। आज रविवार है, आप सब एंजॉय करो, ठीक है। तो कल शाम को जिसको भी जो गाना है, जिनको हम सबको तो जो भजन गाना है ना, वो तो हम वैसे भी मंडे को शाम को ही रखेंगे। इसके अलावा अगर किसी को कुछ बोलना है प्लीज हैंड रेज करो, हमारे पास अभी भी 3 मिनट है, उसके बाद मैं सबको अनम्यूट करूं। यस दक्षा जी, अनम्यूट होके बोलिए। હું માતાજીની સ્તુતિ છે કે એક અત્યારે જેમ આપણે કહીએ છીએ ને કે એક સફળ પુરુષ પાછળ એક સ્ત્રીનો હાથ હોય છે, હા જી, એમ શંકર ભગવાનની પાછળ પણ માતાજીનો, પાર્વતી માતાનો મોટો હાથ છે આપ કલ એના પર। રખિયેગા, आप कल शाम को रखिएगा जो हाँ भी गाना, क्योंकि है ना अभी तो ज्यादा वक्त है नहीं कि मैं किसी को भी ये परमिट कर सकूं, हाँ इसलिए એના પર શંકરાચાર્યની સ્તુતિ છે। જરૂર 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 શંકરાચાર્ય જી की स्तुति भी हम करेंगे। हम तो भक्ति करना बैठे हैं, बस जो भी मन किया वो हाँ भक्ति करेंगे। हाँ जी हाँ मंजुला जी, आप बोलिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी हाँ मच। थैंक यू मैम। मैं है ना शिव की वंदना में, आपके 12 ज्योतिर्लिंग में इतनी मग्न हो गई हूं कि आप पूरे परिवार को सबसे पहले मेरा सादर नमन, जय जनेंद्र, और आज हमारे लिए हरि ओम नमः शिवाय का ये परिवार कुछ कहता है वो मैं सुनाना चाहती हूँ। सिर्फ 11 लाइन है मेरे पास में। आप बोलिए, कोई बात नहीं मैम, ये टाइम हो गया, बंद हो जाएगा तो आप उससे पहले ऐसे ही बंद हो जाएगा, चलेगा, आप बोल सकते हो। ठीक है। शिव डमरू बजाए, अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसका, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, मस्तक पर चंदा ओ जिसकी जटा में है गंगा, मस्तक पर चंदा ओ जिसकी जटा में है गंगा,
रहती पार्वती संग में सवारी है बुढ़ा नंदा, ओ कैलासी है अविनाशी, हो कैलासी है अविनाशी, पहने सरेपो की माला, शिव डमरू बजाए अंग भस्मी रमाए और ध्यान लगाए किसने का, न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, बागंबर धारी शिव भोला त्रिपुरारी, रहता मस्त सदा जिसकी महिमा है भारी, भोला भाला है मतवाला, भोला भाला है मतवाला, पीवे भंगियों का प्याला, शिव डमरू बजाए अंग